हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एपिडर्मिस। इसे सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, लोकेशन, पार्ट्स, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ एपिडर्मिस। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। एपिडर्मिस एक मेल जेनिटल ऑर्गन का पार्ट है और ये एक लॉन्ग और कॉइल ट्यूब होता है जिसमें स्पर्म्स स्टोर होते हैं और उनका ट्रांसपोर्ट भी इसी के थ्रू होता है। सो एपिडर्मिस इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब दैट स्टोर्स स्पर्म्स एंड ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम द टेस्टिस। नेक्स्ट लोकेशन, ये टेस्टिस के पोस्टीरियर या फिर बैक मार्जिन पर प्रेजेंट होता है। इट अपीयर्स ऑन पोस्टीरियर बैक मार्जिन ऑफ द ईच टेस्टिस। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ एपिडर्मिस, हेड, बॉडी एंड टेल। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हेड ऑफ एपिडर्मिस, बॉडी ऑफ एपिडर्मिस एंड टेल ऑफ एपिडर्मिस। हेड जो है ये अपर एंड पर प्रेजेंट होता है, बॉडी मिडल में और टेल लोअर एंड में प्रेजेंट होता है, जो कि आगे जाकर डक्टस डिफरेंस में कंटिन्यू होता है। और इसमें जैसा कि मैंने लास्ट में मैंने बताया था, लास्ट टॉपिक में, टेस्टिस का लैटरल सरफेस है, ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये लोअर पोल है टेस्टिस का। नाउ वी सी द ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ एपिडर्मिस। फर्स्ट, ब्लड सप्लाई थ्रू टेस्टिकुलर आर्टरी एंड टेस्टिकुलर वेन। जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था, सेम वही चीज यहां पर भी प्रेजेंट होंगी, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन। नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक नर्व थ्रू टेस्टिकुलर प्लेक्सेस। टेस्टिकुलर प्लेक्सेस मीन्स T11 टू L1 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स। नेक्स्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज, टेस्टिकुलर लिम्फ नोड, एओर्टिक लिम्फ नोड, प्री एओर्टिक लिम्फ नोड एंड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड। अप्लाइड एनाटॉमी, एपिडर्माइटिस एंड एपिडर्मोअर्जाइटिस कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। मीन्स एपिडर्माइटिस और एपिडर्मोअर्जाइटिस एक तरह से एपिडर्मिस में इन्फ्लामेशन होने की कंडीशन को कहते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड इज ऑल्सो एन ऑर्गन ऑफ मेल जेनिटेलिया। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। ये एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल जेनिटल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, और या फिर बोल सकते हैं बंडल ऑफ नर्व्स, डक्ट्स एंड ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग द टेस्टिकल टू एब्डोमिनल कैविटी। मीन्स एक ऐसा बंडल होता है जिसमें नर्व्स, डक्ट्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि टेस्टिकल को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने स्ट्रोटम में बताया था, इस डायग्राम में शो किया गया है। स्क्रोटल शैक, एपिडर्मिस, टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड। नाउ कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, वैस डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी, ट्रीमेस्ट्रिक आर्टरी, पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमरल नर्व, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व एंड लिम्फेटिक वेसल्स। जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। अगर उसके कंटेंट की बात करें तो पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, टेस्टिकुलर आर्टरी, वैस डिफरेंस और यहाँ पर ट्रीमेस्टर मसल प्रेजेंट है, तो इसके नाम पर ट्रीमेस्ट्रिक आर्टरी भी इधर से होते हुए जाएगी, जो कि इसमें शो नहीं हुआ है। सो कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड्स आर वैस डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी, ट्रीमेस्ट्रिक आर्टरी, पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व, लिम्फेटिक वेसल्स। कुछ कंटेंट डायग्राम में शो नहीं किए जा सके हैं।
स्पर्मेटिक कॉर्ड का स्ट्रक्चर सेम एज स्क्रोटम टॉपिक में जो डायग्राम शो किया गया है वैसा ही रहेगा, क्योंकि स्क्रोटम में ही टेस्टिस, एपिडाइमस और स्पर्मेटिक कॉर्ड लाई करते हैं।